फ्रेंड्स के अंदर ऐसे ही डाउनलोड करके आप किसी का भी नंबर पे दे सकते हैं, ये खुद के नंबर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जानेंगे कि माई जियो ऐप से अपना कॉल डाटा कैसे निकालेंगे, जैसे कि इनकमिंग आउट गोइंग कॉल डाटा कैसे निकालते हैं। इसके थ्रू मैं इस वीडियो में बताना स्टेप बाय स्टेप करके पूरा लाइव में करके बताऊंगा आपको। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट में करेंगे तो मैं उसका जो तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फोन के स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं तो आपके पास जियो ऐप माई जियो ऐप होगा आपके पास, तो नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप। डायरेक्ट माई जियो ऐप में आने पर ये ऐप आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर ले सकते हैं। इसको मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है और इसके अंदर ओपन करेंगे। ये ओपन करेंगे आप तो नेट का जो रिमेनिंग यूसेज है वो यहाँ पर चेक करते होंगे। माई जियो ऐप ओपन हो गया है। ये पड़ा है मेरा प्लान 199 का और 1.10 भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इसके नीचे यूसेज होगा आप जो चेक की यूसेज और इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉल्स डाटा और SMS आएगा, आप सेलेक्ट कर ले सकते। अब SMS चाहिए तो ये चलो सेलेक्ट कर सकते डाटा निकालने के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप हम कॉल सेलेक्ट करिए और नीचे जाएंगे तो एकदम आखिरी में जाएंगे एडम टू व्यू डिटेल्स, यस ये कर लेंगे। एक सेलेक्ट करने के बाद आपके पास डेट आएगा, फर्स्ट जो डेट रहेगा वो जहाँ से चाहते हैं वहाँ तक चाहिए। और स्टेटमेंट डाउनलोड करने पर 180 दिन का आएगा, यानी 5 महीने का करीब करीब आ जाएगा आपको डाटा। तो आप 5 महीने का डाटा ले सकते हैं और देखना चाहते हैं तो मैक्स 30 डेज का एक एक बार सेलेक्ट करके ले सकते हैं आप। 1 महीने का एक बार डाउनलोड करके 6 महीने का भी यूज़ कर सकते हैं हम। और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू सेगमेंट दबा प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पर आपको जितना नॉर्मल कॉल डाटा है वो बता देता है आपको यहीं पे। और ईमेल भी स्टेटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि PDF आपके ईमेल को जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ले फ्रेंड्स वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आखिरी में मैं एक बोनस टिप भी बताने वाला हूँ आपको। मेरे पास थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो लोडिंग बहुत स्लो हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड्स आ गया है यूसेज और माई बिल, कितने का रिचार्ज कराए हैं, कितना एड्रेस है, कौन सा है, आधार कार्ड, सब डिटेल्स आता है यहाँ पे। प्लान भी आ जाता है और यूसेज चार्जेस और यहाँ पे भी आ जाता है, समरी भी आ जाती है। नो रिकॉर्ड्स फंड, यानी अपन देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ यहीं पर बता देता है वॉइस, यहाँ पे जितना यूज़ किया है उतना ही बता देता है सब टोटल। तो इसके लिए आप क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पूरा देखना है प्लान तो यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं वरना डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो मैं डाउनलोड करके बताता हूँ। फर्स्ट सेलेक्ट किया हूँ 30 जुलाई से 19 जुलाई तक मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सबमिट कर देते हैं। इसके सबमिट करने पर आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसको ओपन करने पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा A to Z। जैसा कि मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, इवेंट्स डाउनलोड हो चुका है मेरे पास। चलिए मैं PDF के अंदर ओपन कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। PDF ओपन किया हूँ मैं। ये PDF ओपन करने पर आपका पूरा डिटेल बता देगा, जैसे बैंक डिटेल्स और कॉल कितना GB यूज़ किए हैं, कितना किससे रिचार्ज किए हैं, यानी सब कुछ बता देगा, डाटा कितना यूज़ किया है सब कुछ। कॉल रिकॉर्ड जैसे कि नंबर के थ्रू भी बता देगा, जितने कौन से नंबर पर कितना टाइम बात किया है। और बिल भी बताएगा कितना बैलेंस कटा हुआ है आपका, फ्री यूसेज कितना हुआ है, सब कुछ बता देता है फ्रेंड्स इसके अंदर। सब आप ये बिल डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर मेरे फ़ोन नंबर आ रहे हैं तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, तो आप यकीन करोगे फ्रेंड्स कौन सा डेट है, कितना टाइम बात किया है, सब कुछ पता चल जाएगा फ्रेंड्स इसके अंदर। ऐसे ही डाउनलोड करके आप किसी का भी नंबर पे दे सकते हैं, ये खुद के नंबर पे देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं बोनस टिप बताने वाला था, तो बोनस टिप ये है कि इसके अंदर आपको एक दूसरा नंबर जियो का नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिंक न्यू अकाउंट बता रहा है, लिंक न्यू अकाउंट दबाने पर आपको ऐसे ओपन हो जाएगा, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है, जिसका नंबर चाहिए उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है,
उसका नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी मारना है। जनरेट ओटीपी मारने के बाद आपको ओटीपी आएगा, उसके फ़ोन पे आएगा, तो वो ओटीपी अपन एंटर करेंगे तो वो लिंक हो जाएगा आपको अकाउंट। लिंक होने पर आपको फिर उस अकाउंट का डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ से स्विच अकाउंट करना है। स्विच अकाउंट प्रेस करेंगे तो आपके पास जितना अकाउंट इसको लिंक है वो अकाउंट बता देगा, उसका अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस जो पहले से मैं बताया हूँ वैसे ही करके आप कार्ड रिकार्ड ओपन कर सकते हैं। इवेंट्स मेरे पास लिंक जो किया वो अकाउंट ओपन यहाँ पे नंबर बता रहा शो कर रहा है, उसका भी सेम नीचे जाना है, चेक डिटेल्स करना है। आपको जो पहले से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ वैसे ही करके आपको उसका भी कार्ड रिकार्ड और डाटा सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, आपका उसका भी पता लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू।